हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, एक्सप्लेन कॉमन एन इफेक्ट। द सेकेंड इज डिराइव द हैंडरसन हेजलबैल इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट एग्जाम्पल। एंड थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन, फॉर दिस गिवन रिएक्शन, केसी इज 32 एट 500 केल्विन। इफ इनिशियली प्योर बी आर सी एल इज प्रेजेंट एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3.30 into 10 to the power minus 3 m, what is its molar concentration in the mixture at equilibrium? So here the key concept is common ion effect। ठीक है, तो common ion effect को एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। CH3COOH ये डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम है CH3COOH+H+। सो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि एक आयन जो है जो कि कॉमन है, ठीक है, तो हम अगर यहाँ बाहर से HCl अगर दे दें तो रिएक्शन में ऑलरेडी, प्रोडक्ट में ऑलरेडी क्या है, H प्लस है, एंड HCl में, ठीक है, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, H प्लस आ जाएगा। तो ऐसा आयन जो कि कॉमन हो, मतलब जो हम बाहर से दे रहे हैं उसमें भी H प्लस है, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है जो डिसोसिएट कर रहा है ये, ठीक है, रिएक्टेंट, उसमें भी H प्लस है, तो ये दोनों ही कॉमन आयन है। तो जब इस तरह का कोई कॉमन आयन प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से जो हमारा रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बाहर से CH3COOH-Na+, ठीक है, ये देते CH3COOH-Na देते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आयन है एंड यहाँ पर हमने फिर से ये आयन दे दिया CH3COOH-, तो अगेन यहाँ पर कॉमन आयन आ गया। तो इस इफेक्ट को, मतलब जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है उसमें अगर ऑलरेडी हमारे रिएक्शन में वो आयन प्रेजेंट है और हमने बाहर से भी वो आयन दे दिया, तो इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, एंड इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। सो शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम, शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ the addition of an ion already involved in the equilibrium reaction। ठीक है, तो जो शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम में जब भी हम ऐड करते हैं ऐसा कोई ऑयन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो जो रिएक्शन है वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, एंड इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज डिराइव द हैंडरसन हेजलबैल इक्वेशन फॉर द एसिडिक बफर विद द हेल्प ऑफ अ रिलेवेंट एग्जाम्पल। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द हैंडरसन हेजलबैल इक्वेशन इज पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस एसिड एंड इज यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन ड्यूरिंग
द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक एसेट। एक्चुअली ये जो हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन है ये दो साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। सो जो लॉरेंस हैंडरसन वॉज एन अमेरिकन केमिस्ट जिन्होंने एक इक्वेशन बनाया था टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ द गिवन बफर सॉल्यूशन, ठीक है, पीएच वैल्यू बफर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद अगेन इस इक्वेशन को रीएक्सप्रेस्ड किया गया बाय द डेनिश केमिस्ट जिनका नाम था हेजलबर्ग, एंड हेंस इस इक्वेशन का नाम हो गया हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है वो पीएच वैल्यू बताती है, ठीक है, पीएच वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ऑफ बफर सॉल्यूशन ड्यूरिंग द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर द एसिडिक बफर विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जाम्पल। सो कंसिडर द एसिडिक बफर अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। सो एसिडिक बफर अ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। सो CH3 COOH CH3 it will dissociate into CH3 COO minus plus Na plus. This is first equation. Now CH3 COO Na it will dissociate into CH3 COO minus plus Na plus. This is second equation. Now applying the law of mass action to the first equation, we get Ka, where Ka is the dissociation constant, CH3 COO minus H plus CH3 COOH. This is the third equation. Here Ka is dissociation constant of weak acid. Now in this solution CH3 COO minus is salt. ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। नाउ CH3 COOH माइनस ये है हमारा एसिड, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। सो सब्सटीट्यूटिंग फोर एंड फाइव इन थर्ड हमारा क्या था इक्वेशन, ये था, ठीक है। तो इसमें हम फोर्थ एंड फिफ्थ को पुट करेंगे तो वी गेट के ए इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस एंड एसिड। हेयर एच प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए एसिड बाई सॉल्ट, ठीक है। नाउ टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट माइनस लॉग 10 एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के ए प्लस नेगेटिव लॉग एसिड बाई सॉल्ट,
सो इसको हम लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है। देयरफॉर तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग इसको एस बाय ए, दैट इज सॉल्ट बाय एसिड। सो दिस इज द डेराइवेशन फॉर द एंडरसन हेजलबैक इक्वेशन फॉर द एसिडिक बफर विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट एग्जाम्पल। क्वेश्चन में पूछ रहा था तो हमने एग्जाम्पल लिया, हमने एग्जाम्पल लिया एसिडिक बफर मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट का। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन टू बी आर सी एल बी आर टू प्लस सी एल टू के सी इज 32 एट 500 केल्विन। इफ इनिशियली प्योर बी आर सी एल इज प्रेजेंट एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम, वॉट इज इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। सो इन दिस क्वेश्चन लेट द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन फॉर्म एट इक्विलिब्रियम बी एक्स, लेट द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन फॉर्म एट इक्विलिब्रियम बी एक्स। सो द गिवन रिएक्शन इज टू बी आर सी एल बी आर टू प्लस सी एल टू, ठीक है। ये हमारा गिवन रिएक्शन क्वेश्चन में, ये हमारा गिवन रिएक्शन है। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है यहां पर, एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, गिवन है 3.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो इट इज 3.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। नाउ एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 3.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2x, ठीक है। तो x x यहां पर आ गया। नाउ वी कैन राइट के सी इज इक्वल टू बी आर टू सी एल टू डिवाइडेड बाई बी आर सी एल टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केसी। क्वेश्चन में केसी जो है वो 32 है एट 500 केल्विन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 32 के, दिस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, केसी इज आवर कॉन्स्टेंट। तो ये है हमारा 32, तो नाउ अब हम सबका अगर वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा हमारा x, हमने x माना था ब्रोमीन एंड क्लोरीन के अमाउंट को, एंड देन 3.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 32, 32 तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बाई 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5.66। सो x इज इक्वल टू आएगा 18.678 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 11.32 एक्स, सो 12.32x इज इक्वल टू 18.678 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3,
सो एक्स इज इक्वल टू आ गया 1.5 × 10⁻³। नाउ अब हमें क्या निकालना है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ BrCl, ठीक है। सो देयरफॉर मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ BrCl एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ क्वेश्चन में क्या था, यही पूछ रहा था ना, व्हाट इज इट्स मोलर कंसेंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मोलर कंसेंट्रेशन पूछा है, सो तो यहां से हमारा हो जाएगा BrCl का मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 3.3 × 10⁻³ माइनस 2 × 1.5 × 10⁻³, क्योंकि हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि x x है, ठीक है। तो इतने से अगर हम ये मतलब ये माइनस 2x कर दें तो हमारे BrCl की मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, उसमें से ये 2x माइनस कर दिया, ठीक है। सो ये आ जाएगा 3.3 × 10⁻³ माइनस 3 × 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3 × 10⁻³ एंड आंसर इज 3.0 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स ऑफ ऑल द थ्री क्वेश्चंस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।